हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीबीवी यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के। यहाँ पे स्पॉट एडमिशन का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। कौन से कोर्स में कितनी सीट बची है, किस कोर्स को कब यहाँ पे आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, कहाँ पे जाना है, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, हर एक अपडेट आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और यहाँ पे फोर्थ लिस्ट भी आ चुका है ऑलरेडी, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जो भी डिटेल्स निकल के आ रहा है वह मैं आपको इस वीडियो में आपको हर एक अपडेट देने वाला, ठीक है। अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे ऑफिशियल इसके वेबसाइट पर हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं बीबीयू का ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे इस वेबसाइट पर आकर, तो नीचे जाने के बाद से आपको इस प्रकार से लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी अपडेट है, कब जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है, किस कोर्स में कितना सीट वैकेंट है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्थ शेड्यूल के बारे में यानी फोर्थ सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट के बारे में, तो वो ऑलरेडी आ चुका है। आपको चेक करने के लिए आएंगे और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। पहले मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको वैकेंट सीट के बारे में अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट वगैरह जो देखने को मिल रहा है, वैकेंट सीट, मेरिट लिस्ट, एडमिशन, इसी पे आपको क्या करना है, सिंपली आप जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे जैसे आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा तो यहां से आप जाकर, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां पे क्लिक करके आपको यूजी मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम फॉर द सेशन 2024-25 पे क्लिक करके हर एक कोर्स का आप चेकआउट कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आपको बता दे रहा हूं कि स्पॉट एडमिशन है, किस कोर्स में होने वाला है, कब होने वाला, कैसे जाना है, ठीक है। मेन ऑफिशियल वेबसाइट में मैं फिर से बैक आ गया। आने के बाद से लेटेस्ट ही न्यूज के अंदर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे कल शाम में यहां पे नोटिस आया, डाला गया, यहां पे रिलीज किया गया स्पॉट काउंसिलिंग ऑफ एडमिशन 2024-25, ठीक है, अंडर यूजी एंड डिप्लोमा प्रोग्राम, यानी कि यूजी के अंदर जो भी यहां पे कोर्स है सबका यहां पे आ गया। सबसे पहले मैं इस वीडियो को ओपन कर लेता हूं और आपको एक एक चीज डाउट क्लियर कर देता हूं। लेकिन आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाला हर एक अपडेट के लिए, चाहे इसका जब भी इसका आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट आएगा, वेटिंग लिस्ट आएगा, हर एक अपडेट आपको दूंगा। चलिए मैं इस वीडियो ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे स्पॉट वाले नोटिस को मैं ओपन कर लिया हूँ और आपको एक एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। नीचे यहाँ पे हर एक शेड्यूल दिया गया है कि कौन से कोर्स को कब जाना है, ठीक है, और टाइमिंग वगैरह हर एक चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जाना कब है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो जाने के लिए आपको 9 और 10 अक्टूबर को आपको ऑफलाइन कैंपस में यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल मोड में जाके आपको काउंसिलिंग कराना है। डेट 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को, ठीक है। टाइमिंग भी नीचे दिया गया हर एक कोर्स का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जाना है जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके डिपार्टमेंट में जाके अपने आपको रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद वहाँ पर जो भी वैकेंट सीट है वो आपको यहाँ पे जो है आपको 7 तारीख को रिलीज करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर में दिया गया है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो अपना वैकेंट सीट अपलोड करेगा 7 अक्टूबर को, तो वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा इसी चैनल पे। तो आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम में और व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर से ज्वाइन हो जाए, लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, जो भी शॉर्ट लिस्टेड या वेटिंग लिस्ट है वो आपको 10 और 11 अक्टूबर को आएगा सामने। उसके बाद आपको यहां पे क्या किया जाएगा, 11 तक आएगा, 12 तक, उसके बाद 14 अक्टूबर तक आपको यहां पे फी पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद से फी पेमेंट कर देना है। उसके बाद से जो स्टूडेंट्स फी पेमेंट नहीं करते उनको उनका सीट जो है एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा, सीट वैकेंट हो जाएगा, नेक्स्ट राउंड स्पॉट एडमिशन के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आएगा। जैसे कि अभी 4th तक आ गया है तो फिर स्पॉट राउंड सिलेक्टेड कैंडिडेट 1, 2, 3 तक भी आ सकता है, ठीक है। ये चीजें देखिए अब यहां पर आप जाके देख सकते हैं किसको जाना है। तो भाई यहां पर आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट को ही जाना सही है, क्योंकि यहां पर कहीं ये नहीं लिखा गया कौन स्टूडेंट जाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो जाएंगे, तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। बाकी मैं यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि किसको जाना है, कॉल लगाकर पूछना पड़ेगा, लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा है। तो आपको क्या, यहाँ पे अगर आपके घर आसपास में है तो जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो जाए बेफिक्र, उनका तो 100% वहाँ पे उनका काउंसिलिंग होगा यानी कि वेरिफिकेशन हो जाएगा, उनका सीट वैकेंट रहेगा, तो फिर उनका जब सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आएगा वेटिंग लिस्ट में जिस पे भी फेल करेंगे उसमें उनका रिलीज किया जाएगा नाम, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल के बारे में, तो शेड्यूल जो है आपको यहाँ पे बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव को 9 को जाना है, बीबीए के लिए 9 को जाना है, बीकॉम के लिए 9 के लिए जाना है, बीएससी ज्योग्राफी के लिए, बीबो के यहाँ पे जाने के लिए, फ्री कल्चर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हर एक यहाँ पे, और डेट जो है यहाँ पे देख सकते हैं दिया। टाइम आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जाना है। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से आप जाके एक एक करके हर एक कोर्स का देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 को भी जाना है, 10 को जैसे बीटेक के लिए जाना है, चाहे लेटरल एंट्री हो या मेन हो, ठीक है, यानी कि फ्रेशर हो या लेटरल एंट्री दोनों के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसके सेंट्रलाइट जो सेंटर है MAT के अंदर, वहाँ पे आपको जाने के लिए कौन कौन से कोर्स है, BA हिस्ट्री है, BA सोशोलॉजी है, BA इंग्लिश है, BSc BCA है, ठीक है, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, BCOM है, BSc फूड टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी, बी फार्मा है, ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है। जाना कब है, तो आपको यहाँ पे MAT में यानी कि यहाँ पे सेटेलाइट सेंटर पर आपको 10
9 अक्टूबर को ही जाना है, टाइमिंग 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में। बाकी ये पीडीएफ आप अपने टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप एक एक चीज़ ऐसे भी आप पूछ करके वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। सारा डाउट इसमें क्लियर होगा, एक्स्ट्रा कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट कीजिए। देखिए मैं फिर से वो डाउट क्लियर कर रहा हूँ, जाने के लिए यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट को ही फर्स्ट प्रीफ्रेंस दिया जाएगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि वो स्टूडेंट्स आए जिनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन न्यू स्टूडेंट्स को नहीं बोलने के लिए बोला गया है, तो जाहिर सी बात है अगर आपके आसपास में घर है तो आप जाके देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको बुलाया गया है वैसे स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड किए हैं, ठीक है। तो बाकी एक्स्ट्रा कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। और देखिए यहाँ पे आपको जो भी वैकेंसी आएगा, ठीक है, आपका कटअप आएगा, सिलेक्टेड लिस्ट आएगा, वेटिंग लिस्ट आएगा, डायरेक्ट एडमिशन का भी अगर चांस मिलता है तो हर एक अपडेट आपको दिया जाएगा यहाँ पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह हर एक चीज़ मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है।